स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आया हूँ हमारे डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 की जानकारी के साथ। आप और अपना ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं इसकी फुल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके बताने वाला हूं। तो इसकी जानकारी के लिए आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसका होम पेज, यहां पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो यहां मिल जाती है। लेकिन अभी यहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं डली है और ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 12 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट डेट है उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब है उसकी जानकारी मैं आपको बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको मैं साइट पर ले चलता हूं। ये जो वेबसाइट है ये यहां पे आपको नहीं यहां पे इस साइट पे नहीं मिलेगी। तो इस साइट के लिए आप ये साइट डायरेक्ट ही आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन जो है आपका 4 स्टेप में पूरा होने वाला है। पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, विषय सिलेक्ट करना है और पेमेंट कर देना है। 4 प्रोसेस में आपका आवेदन जो है होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लें थोड़ी सी PDF की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आप UG का है, APG का है यानी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद PhD का भी नीचे दिया गया है। तो यहाँ से हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ये PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहां से देख सकते हैं कि आप UG में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन में आपको BA BA BEd बैचलर आर्ट BCom BBA BSc बायो BSc मैथ BEd BSc BEd BA BEd यहाँ पे सारे कोर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कोर्स कोड दिए गए हैं ये कोर्स आपको याद रखना अनिवार्य होगा। अभी ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद यहाँ पे सीट भी दी गई है और क्वालिफिकेशन भी दी गई है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं और अदर जानकारी की। तो इसमें आपको डायरेक्ट ही मैं ले चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कोड है जो आपको फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय, तो वहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की डिटेल दी गई है कि आपको किस प्रकार आवेदन करना है। तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस यहाँ पर इनने PDF के माध्यम से दी है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो मैं करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो है BA BSc की जो इन्फॉर्मेशन है आप यहां से पढ़ सकते हैं और देख लिया होगा आपने। इसके बाद जो हम यहां पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट के लिए आप यहां से देख सकते हैं 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मई इसकी जो है लास्ट डेट है। 11 मई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं और आवेदन एडिट करने की जो तिथि है वो 15 मई दी गई है, और आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है वो 10, 11 और 12 जून 2020 को होने वाला है। और इसकी जो और आगे की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की उसकी डेट भी यहाँ दी गई है। और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे और भी वीडियो आएंगे आगे, तो वो आपको मिलते रहेंगे। और इसके बाद की जो और प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप यहां से डिटेल देख सकते हैं। 27 नंबर जो पेज है यहां पे इलाहाबाद भोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर छतरपुर दमोह इंदौर जबलपुर झांसी कोलकाता कोटा नागपुर न्यू दिल्ली पटना रांची रीवा टीकमगढ़ और सागर हैदराबाद, ये 19 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें एग्ज़ाम फीस की बात करें हम तो जनरल OBC के लिए एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 800 रुपये और SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके अलावा आप अगर और दूसरा सब्जेक्ट भी उसी में ऐड करते हैं तो आपको कुछ 400 या 250 रुपये का चार्ज अलग से देना होगा। तो ये तो रही PDF की जानकारी। अब हम
ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं इसकी जानकारी के लिए हम चलते हैं डायरेक्ट साइट पर, और वहां पहुंचने के बाद हम आपको बता दें यहां से ये जो है हम डायरेक्ट यहां पहुंच चुके हैं। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस साइट पर पहुंचने के बाद आपको ये साइट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2021, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के आपको सिलेक्ट करना है। तो आप BA BSc करना चाहते हो तो अंडर ग्रेजुएशन, और MA MCOM करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और PhD करना चाहते हैं तो आप PhD सिलेक्ट करना। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम के आगे जो आप लगाते हैं, जैसे आप अनमेरिड फीमेल हैं तो कुमारी, और आप कोई लड़का है तो वो MR लगा सकता है, मिस्टर लगा सकता है, श्री लगा सकता है। तो मिस्टर यहाँ पे उसका फर्स्ट नाम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम यदि हो तो यहाँ पे लास्ट नेम, आपको 10वीं 12वीं 10वीं के अंक सूची के हिसाब से आपका नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपना चालू मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपनी ओरिजिनल जो चालू ईमेल आईडी है वो ही डालना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम और माताजी का नाम डालना है जो कि 10वीं कक्षा के मार्कशीट के अनुसार ही डालें, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं बता दूँ यहाँ पे सबसे पहले जो है जर्नल कैटेगरी है, उसके बाद अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है 10% आरक्षण वाला तो आप दूसरे नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप OBC में आते हैं और नॉन क्रिमिलियर में, आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो क्रिमिलियर के लिए है, तो इसे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद SC और ST आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना कैप्चर डालना है और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आगे की प्रोसेस पर चलते हैं। इसके बाद जो है आपको अपना ID पासवर्ड स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो ID पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है, और साथ ही आपके मोबाइल पर और ईमेल पर मैसेज भी गया होगा। तो वहाँ से आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपना जो है पासवर्ड डाल देना है। तो पासवर्ड मैं जैसे ही डालता हूँ, तो इसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद यहाँ के आपको जो है कैप्चा डालना है और सिग्न बटन पर क्लिक करना है। तो सिग्न बटन पर क्लिक करने के बाद आप आवेदन पर पहुँच जाते हैं। अब आवेदन खुलने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे फोटो, आपका फोटो डालना है जिसपे नाम और डेट, फोटो का खींचा हुआ डेट लिखा हो, और यहाँ पे आपको JPG में डालना है जो 2500 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से इसे करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। दो सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ पर उस एड्रेस का पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपको अपना जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस, जी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर एक सा है तो आप इसे इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस जो है सेम यहाँ पे लिखे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर हो तो वो डाल देना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग सेलेक्ट करना है, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, यानी आप खेल कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फादर का कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपने माता का कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर डालना है यदि हो तो। इसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना अनिवार्य है, तो कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र के हिसाब से आय दर्शानी है। आय दर्शानी के बाद यहाँ पे ये जो पर्सनल मतलब PWD यानी विकलांग, आप विकलांग हैं तो इस पर क्लिक करना है। यदि आप डिफेंस पर्सनल कोटा के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ टिक करना है। आप यदि NCC किए हुए हैं तो यहाँ टिक करना है, NSS किए हुए हैं तो यहाँ टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चुनना है, किस सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे जो है आपको सेव करना होगा। तो
यहाँ पे आप सेव, जैसे ही कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आप सेव कर देते हैं, तो यहाँ से आपको जो है अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे तो अभी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बाद जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा भरने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना एग्जामिन पास किस कौन सा अपना जो पास किया है 12वीं, तो वो पास है या नहीं का नाम लिखना है, रोल नंबर देना है, स्टेट लिखना है, कोर्स कोड, कोर्स मोड जो भी है वो आएगा, रिजल्ट स्टेटस में आपको जो है अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो पास आउट लिखना है, नहीं आया है तो अवेटेड लिख देना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डालना है और परसेंटेज, अगर पासिंग है तो दर्शाना है, नहीं है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद दर्शाने के बाद जैसे ही आप एड बटन पर क्लिक कर देंगे, अभी थोड़ी साइट प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ भर के नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप भर सकते हैं। भरने के बाद आप यहाँ से जैसे जितने भी आप सब्जेक्ट जोड़ेंगे वो यहाँ जोड़ते चले जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो है फीस भी दर्शा दी जाएगी। तो यहाँ पे फीस लिखी आएगी, फीस कैटेगरी की वाइज के हिसाब से आपको लिखी आएगी। यहाँ पे आपको अपना प्लेस, जिस स्थान से आप फॉर्म डाल रहे हैं तो वो प्लेस डाल देना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपका आवेदन डायरेक्ट ही आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा, और इसके बाद आपकी जो है पेमेंट होगी। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एमपे ओला के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कमेंट द्वारा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद।